रपंसल। एक बार दूर देश में एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। एक दिन महिला ने अपने पति को खुशखबरी दी कि वो गर्भवती है। उसका पति ये खबर सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और एक दिन उसने उसे बताया कि उसे लेट्यूस का कुरकुरा सलाद खाने की बहुत इच्छा हो रही है। जब तक मैं अपने पड़ोसी के बागीचे में से कुछ स्वादिष्ट सलाद नहीं खा लूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए उसका पति अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए पड़ोसी के बागीचे में चला गया। लेकिन बेचारा आदमी ये नहीं जानता था कि पड़ोसी कैमिला नाम की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। कोई नहीं जानता था, लेकिन चुड़ैल 150 साल की थी। जवान दिखने के लिए कैमिला केवल सुनहरी चीजों को छू सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में सब कुछ सोने से ढक दिया था। उसकी प्लेटें, चम्मच, कांटे, बोतलें, लैंप, सब को सोने से ढक दिया, यहाँ तक कि वो कुर्सी भी जिस पर वो बैठती थी। और उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उनका पड़ोसी था जो अपनी गर्भवती पत्नी के लिए कुछ लेट्यूस मांगने आया था। कैमिला ने कहा कि वो बागीचे से जितना चाहे उतना ले सकता है, लेकिन एक शर्त के तहत। अगर तुम्हारे बच्चे के बाल सुनहरे हुए तो मैं इसे लूंगी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो मूर्खता से सहमत हो गया और प्रार्थना की कि उसके बच्चे के बाल सुनहरे ना हो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, सुनहरे रेशमी बालों के साथ। उन्होंने उसे रपंसल नाम दिया। कैमिला पता नहीं कैसे जानती थी कि बच्चे का जन्म सुनहरे बालों के साथ होगा, इसलिए वो माता पिता से बच्चे को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल ने रपंसल की बहुत अच्छी देखभाल की। वो उसके सुनहरे बालों में कंघी करती, जो हर दिन थोड़े लंबे हो जाते थे। कैमिला कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल कटे हों, क्योंकि वो बालों की लंबी लटें लेती, इसे जादुई काढ़े में पकाती और इसे सोने में बदल देती। मेरा जादू उसके लंबे सुनहरे बालों को सोने में बदल देता है। मैं जीवन के लिए तैयार हूँ। गहरे जंगल में कैमिला ने एक विशाल लंबा टावर बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, रपंसल को कैद करके रखने के लिए, ताकि उसके बाल सुरक्षित रहे। टावर के अंदर सीढ़ियां भी नहीं थी, ये सिर्फ एक छोटा कमरा था, बस एक छोटी सी खिड़की के साथ। रपंसल 18 साल तक अकेले इस कमरे में बड़ी हुई, सिर्फ कैमिला से मिलते हुए। जब कैमिला समय समय पर उससे मिलने आती, तो वो उसे नीचे से बुलाती। रपंसल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपंसल अपने बालों को खिड़की से नीचे लटकाती और कैमिला उसकी चोटी को पकड़ लेती और उसे पकड़कर टावर में चढ़ जाती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं है? मैं जमीन पर कदम क्यों नहीं रख सकती? मुझे फूलों और जानवरों के साथ खेलना है। मेरी सुंदर सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया की बुराइयों से बचा सकती हूँ। यहाँ बाहर बहुत से खतरनाक जानवर हैं और सभी प्रकार के स्वार्थी जीव हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी।
एक दिन देश का सुंदर राजकुमार रॉब, जो उसी दिन पैदा हुआ था जब रपंसल पैदा हुई थी, वो अपने घोड़े को जंगल में सवारी के लिए ले गया। राजकुमार ने जंगल में गाना सुना और ध्यान से सुनने लगा। यह आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। वो उस रहस्यमय आवाज की तरफ बढ़ने लगा, जब तक कि वो अंत में टावर के निचले हिस्से में नहीं पहुंच गया जहां रपंसल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की पर गा रही थी तो राजकुमार को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो टावर में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगा, मगर वो उसे कहीं नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर पर पहुंची, इसलिए राजकुमार झाड़ियों के पीछे छिप गया, क्योंकि वो दुष्ट चुड़ैल के रूप में उसके बारे में जानता था। अरे नहीं, वो कैमिला है। दुष्ट चुड़ैल, वो यहाँ क्या कर रही है? रपंजल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे कर दिए ताकि कैमिला ऊपर चढ़ सके। अगले दिन राजकुमार टावर पर फिर से आया। वहां पहुंचकर उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करते हुए टावर पर आवाज लगाई। रपंजल, रपंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे डालो। रपंजल ने सोचा कि आवाज कुछ अजीब लग रही है, लेकिन उसने यूं ही बालों को नीचे गिरा दिया। प्रिंस रॉब जल्दी से उसकी चोटी पकड़कर चढ़ने लगा, क्योंकि वो उस आवाज को खोजने के लिए उत्सुक था जो इतना खूबसूरत गाती थी। काफी मुश्किल चढ़ाई। रपंजल ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं राजकुमार रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, चुड़ैल और सीढ़ियों के कारण। नहीं, मैं रपंजल नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी खतरनाक होते हैं। नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। चिंता मत करो, मैं एक खतरनाक इंसान या जानवर नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनी और देखना चाहता था कि चुड़ैल करती क्या है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राजकुमार के शब्दों ने रपंजल के दिल को नर्म कर दिया और अब उसका डर जाता रहा। रपंजल, क्या तुम फूलों की खुशबू सूंघने, जंगल में टहलने और सुंदर जानवरों से मिलने के लिए मेरे साथ टावर से नीचे जाना चाहोगी? रपंजल वर्षों से बाहर के जीवन की खोज करना चाहती थी, इसलिए उसने राजकुमार की पेशकश को सीधे स्वीकार कर लिया। मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे हम दोनों टावर से नीचे जा सकते हैं। अगले दिन दुष्ट चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची और रपंजल को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने लंबे सुनहरे बालों को देखा, टावर के ऊपर से नीचे तक लटके हुए। मुझे लगता है कि उसने मुझे आते हुए देखा और अपने बाल पहले से ही लटका दिए। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक घोड़े की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई आसपास हो सकता है, लेकिन वो इस सब में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चढ़ती रही, क्योंकि वो जल्द से जल्द रपंजल तक पहुंचना चाहती थी। जब वो रपंजल के कमरे में पहुंची तो वो सन्न रह गई। रपंजल अब वहां नहीं थी। उसने अपने बाल काट लिए थे और टावर से भाग गई थी। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना चला गया। रपंजल ने अपने बाल काट लिए थे और टावर की दीवार पर लोहे से बांध दिए थे ताकि वो और राजकुमार एक साथ नीचे उतर सकें। कैमिला ने अकेले टावर में चिंतित होकर रपंजल के कटे बालों को छुआ। नहीं, 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 ये अब काम नहीं करता क्योंकि बाल कटे हुए हैं।
बालों को सोने में बदलने के लिए जड़ें होनी चाहिए। इसी बीच राजकुमार रॉब और रपंजल राजकुमार के महल में पहुंचे और राजकुमार ने सब कुछ बताया अपने माता पिता यानी राजा और रानी को। राजा ने कहा कि उन्होंने एक बूढ़े किसान और उसकी पत्नी से रपंजल नाम सुना था, तो राजकुमार तुरंत ही रपंजल को उस दंपत्ति के पुराने घर में ले गया जिन्होंने कहा था कि उन्होंने रपंजल नाम का बच्चा खोया है। जैसे ही उसकी गरीब माँ और पिता ने दरवाजा खोला और रपंजल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। दुष्ट चुड़ैल तुम्हें हमसे दूर ले गई थी। इतने साल हो गए लेकिन आखिरकार तुम घर आ ही गई। हम ही तुम्हारा असली परिवार है। रपंजल अपने असली परिवार से मिलकर बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा कैमिला का, जो बिना किसी सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी रपंजल। मैं तुम्हें उन बालों के लिए ढूंढूंगी जो सोने में बदल जाते हैं।